वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. कहते हैं ना, आपके अंदर की अच्छाई जो होती है ना, वो पूरी दुनिया का दिल जीत लेती है। यहाँ पर एक ओलंपिक्स के प्लेयर की बात नहीं करे, एक बॉक्सर की बात नहीं करे कि वो इटली में गया, गायब हो गए। अब वो कहेंगे कि पाकिस्तानी था, तो यही तो कह रहे हैं पाकिस्तानी था। तो अब देखिए आप, ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखिए, सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी नेशन को, किसी कंट्री ने बैन किया है तो वो पाकिस्तानी है। अब फिलीपाइंस है, कोरियन है, जापानीज है, इंडियंस है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया लगा ले, उस पर बांग्लादेश लगा ले, अफगानिस्तान लगा ले, आपको किसी भी नेशन के खिलाफ जो है वर्ल्ड वाइड कंपेन नहीं मिलेगी, मां सवाए आपको पाकिस्तान के। वजह क्या है, एक्चुअली एक मुल्क के अंदर इतनी चोरियां होती हैं, मुल्क के अंदर इतनी बदतमीजी है, मुल्क के अंदर सियासत इतनी वल्गर हो चुकी है। ट्रायल्स के लिए ओलंपिक्स 6 महीने दूर है। जिस देश में जाते हैं वहां कांड करते हैं, जिस काम को करते हैं उसमें कांड करते हैं। लगा जा रहा है कि अगले कुछ सालों में दुनिया पाकिस्तान का नाम जो है वो बदल देगी और उसका नाम रख देगी कांडिस्तान। पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो आखिर करें तो क्या करें? इस बॉक्सर की जिंदगी पाकिस्तान में क्या जिंदगी होगी जिसे कोई पूछता तक नहीं होगा? ऐसा क्या काम कर दिया यार जिससे आपको शर्म आ रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि किसी दिन शहबाज शरीफ बाहर जाएगा ऑफिशियल दौरे पे और वापस नहीं आएगा, जहाज खाली आ जाएगा। बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। बहुत अफसोसनाक वाकया है कि इस तरह फिर दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान की क्या इज्जत रहती है कि जनाब वो लोग खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं या फजाई मेजबान आते हैं जिसको बड़ी अच्छी जॉब्स कहा जाता है, लेकिन वो इन मुल्कों का चार्म देखकर, यहाँ के हालात देखकर वो कहते हैं कि नहीं, बाढ़ में जाए सारा कुछ पीछे, मैं तो यही रहूंगा। अगर आज कोई भी कंट्री आउट ऑफ कंट्री अनाउंसमेंट कर दे कि सारे पाकिस्तानियों को हम जो है रिफ्यूजीज कैंप में जगह देंगे या फिर आओ हम नेशनलिटी देंगे, यकीन करो पाकिस्तान में एक भी बंदा नहीं बचेगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में अभी आवाम का क्या हाल है ये पूरी दुनिया जानती है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लोग आटे से लेकर पेट्रोल तक सब चीज के लिए तरसते हैं, जिसके चलते वहां के लोग पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं और दूसरे मुल्क में बसना चाहते हैं, चाहे उन्हें उसके लिए कुछ भी करना हो। ऐसे में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहाँ पाकिस्तान के एक बॉक्सर जोहेब रसीद इटली में चोरी कर फरार हो गया है। जोहेब रसीद ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट के लिए इटली पहुंचे थे, जहाँ से उन पर चोरी करने का आरोप है। सिर्फ यही नहीं, कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी एयर होस्टेस भी इसी तरह कनाडा से गायब हो गई थी। बात अब इतनी सी है कि पाकिस्तान के आवाम को ये समझ आ गया है कि पाकिस्तान से भागने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि जैसी महंगाई पाकिस्तान में है लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मीडिया पर एक चीज काफी ज्यादा चाह रही है, आज ये बिल्कुल ग्लोबल न्यूज बन चुका है कि पाकिस्तान का एक फाइटर बॉक्सर जो है वो इटली आया हुआ था या गया हुआ था, भाई यहीं पे यूरोप आया हुआ था वो इटली, और ये फाइटर बॉक्सर यहां पर इटली में, ये न्यूज दोस्तों यकीन करें मेरे पास 4 तारीख को आई थी। ये जो आपको पिक दिखा रहा हूं ये मुझे 4 तारीख को मेरे एक दोस्त ने यहीं पर मुझे सेंड की थी कि यार देखो यार ये जो बॉक्सर है ये भाग चुका है ये इटली में, और उसने साथ में ये भी बताया था कि इल्जाम लग रहा है, उसने उसको उसको भी कंफर्म पता नहीं था, वो टीवी पे दिखाया गया था, तो उसने कहा कि यार ये भी बता रहे हैं साथ में कि इसने किसी एक और जो है बॉक्सर लेडी थी उनके पर्स से पैसे वैसे जो है करेंसी यूरो वगैरह उसमें पड़े हुए थे वो भी चुरा के लेके भाग चुका है और ये बंदा अब मिसिंग है इटली के अंदर। लेकिन यार मुझे काफी ज्यादा अफसोस उस टाइम भी हुआ, आज ये न्यूज बिल्कुल ग्लोबल हो चुकी है, मैं इसको इतना ज्यादा बड़ा न्यूज समझा नहीं था, लेकिन आज ये काफी ज्यादा इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो चुका है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर। देखो यार ये बॉक्सर, सबसे पहले तो इंसान पाकिस्तान के अंदर क्या करे? पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो आखिर करें तो क्या करें? इस बॉक्सर की जिंदगी पाकिस्तान में क्या जिंदगी होगी जिसे कोई पूछता तक नहीं होगा?
वहां के क्रिकेटर्स को सैलरी नहीं मिल रही, तो एक बॉक्सर की फिर क्या औकात है पाकिस्तान के अंदर। इसके लिए ये अच्छा मौका था कि ये इटली आया और इटली में जो है ये जो है चलो ये रफू दफा तो हो गया, बाग तो गया है, रफू चक्कर हो गया, लेकिन ये बड़ी सेड न्यूज है कि ये पैसे चोरी करके भागा है। अब देख रहे हैं यार, इससे पूरे देश की बदनामी होती है, लेकिन फिर उस देश की बदनामी क्या, जो देश ही बदनाम हो उसकी बदनामी क्या। दोस्तों, पाकिस्तानियों का पाकिस्तान से भागने का सिलसिला मानिए खत्म ही नहीं हो रहा। एक के बाद एक के बाद एक पाकिस्तानी अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, यू नो दीज आर इकोनॉमिक रेफ्यूजीज। क्या भारत से लोग नहीं जाते? भारत से भी लोग जाते हैं, हजारों लाखों की तादाद में विदेश जाते हैं हर साल, कई लोग वहां पे सेटल हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं पाकिस्तान की आज बात क्यों कर रहा हूं, क्यों आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं? अगर यह कोई नया फेनोमेना नहीं है और अगर भारत में भी यही हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो बाकी दुनिया के देश नहीं करते? दोस्तों, पाकिस्तान में जो लोग एक सर्टेन लेवल के भी हो जाते हैं, जो अच्छी तरीके से सेटल्ड हैं, जो अपने माशरे में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास फेम है, जिनके पास एक स्टेबल नौकरी है, वो लोग भी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यही कहानी का हुक है आज, यही स्टोरी है आज। दोस्तों, इसके लिए ना सोचना पड़ेगा और थोड़ा डीपर जाना पड़ेगा पाकिस्तानी माइंडसेट में। पाकिस्तानीज पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते, राइट? इन्होंने जब पाकिस्तान बनाया था दोस्तों, वो क्यों बनाया था? वो इसलिए बनाया था, इसलिए नहीं कि कहीं पे जहां पे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स फल फूल सकें। ये सिखाते हैं अपनी किताबों में कि साहब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते थे, अगर एक साथ रहते तो बवाल होता, फसाद होता, इसलिए हमें पाकिस्तान बनाना पड़ा। बन गया, खुश हो गए, आ गया स्वाद, मजा आ गया। यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाया, अब उसी पाकिस्तान से ये सारे के सारे पाकिस्तानी भाग रहे हैं। लेटेस्ट एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये है लेटेस्ट एग्जांपल जोहेब रशीद का। जोहेब रशीद पाकिस्तान क्वालिफाइंग, जो ओलंपिक टीम है पाकिस्तान की जो क्वालिफाइंग के लिए गई थी, ये भाई साहब इटली गए अपनी पूरी टीम। मुझे बहुत फनी लगी कि हुन जी तनु आ गया सवाल जी, बना लिया तुसी पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी एक्चुअली ये कंप्लीट फेल हो चुकी है आफ्टर 77 इयर्स ऑफ पाकिस्तान। अब जो है लोगों को समझ आ गया कि बेसिकली हमारा मसला टू नेशन थ्योरी नहीं था। जैसे कि उसमें कहा था कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, अगर ये बात ठीक थी तो आज इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान कैसे हैं? आज इंडिया के अंदर जो अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इतनी शान कैसे होगी, फिर इंडिया के सदर भी वो बने, फिर आप देखिए इंडिया के अंदर जो मुस्लिम है वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो है उनको रखा गया है, ठीक है। तो अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते तो फिर 27 करोड़ वहां कैसे हैं? फिर गंगा जमुना की वो जो एक कहते हैं ना तहजीब थी वो क्या थी फिर? तो लिहाजा मैं ये कहूंगी कि ये एक अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश थी और मोहम्मद अली जना ने इसको जी इस तरह से आगे कंटिन्यू किया कि उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हिंदू मुसलमानों के सगे नहीं है और मुल्क बन गया। लेकिन जहां पर एथिक्स की बात आती है, जहां पर आपके अंदर कहते हैं ना आपके अंदर की अच्छाई जो होती है ना वो पूरी दुनिया का दिल जीत लेती है। यहां पर एक ओलंपिक्स के प्लेयर की बात नहीं कर रहे, एक बॉक्सर की बात नहीं कर रहे कि वो इटली में गया गायब हो गए, अब वो कहेंगे कि पाकिस्तानी था, तो यही तो कह रहे हैं पाकिस्तानी। तो अब देखिए आप ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखिए, सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी नेशन को किसी कंट्री ने बैन किया है तो वो पाकिस्तानी है। अब फिलीपींस है, कोरियन है, जापानीज है, इंडियंस है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया लगा ले, बांग्लादेश लगा ले, अफगानिस्तान लगा ले, आपको किसी भी नेशन के खिलाफ जो है वर्ल्ड वाइड कंपेन नहीं मिलेगी मां सवाए आपको पाकिस्तान के। वजह क्या है? एक्चुअली एक मुल्क के अंदर इतनी चोरियां होती है, मुल्क के अंदर इतनी बदतमीजी है, मुल्क के अंदर सियासत इतनी वल्गर हो चुकी है कि एक पाकिस्तानी जब बाहर वो चीज करता है उसको नॉर्मल लगता है, उसको मतलब पाकिस्तान में चोरी इट्स ओके, पाकिस्तान में आप गायब हो गए इट्स ओके। लेकिन बाहर की जो कौमें होती है वो खुद को गैरतमंद कौमें कहती है, उनके लिए बड़ी मतलब आप एक खिलाड़ी हो और आपका अपना मोराल इतना डाउन है कि आप अपने साथ वाली कुलीग्स के बैग में से पैसा लेके निकल जाते हो। और ये सिर्फ एक नहीं, दुनिया मैं कहती हूँ इससे ऐसे किस्सों से बड़ी पड़ी है जहां पर पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा पे गए हैं पाकिस्तानी गायब, पाकिस्तानी मैच देखने गए पाकिस्तानी गायब, 93 के करीब तो पाकिस्तानी इंडिया में गायब हुए हैं जो कि वर्ल्ड कप मैच देखने गए थे, आज तक वो वापस नहीं आए। अगर मुल्क पाकिस्तान आपको चाहिए ही नहीं था तो फिर आपने भारत का बंटवारा क्यों किया? क्वेश्चन इज दिस।
Thank you.